हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गमार फली और आलू की सब्जी मिक्स करके बनाऊंगी, सूखी सब्जी बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी यूनिक तरीके से बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई थी ये। बस कुछ मसाले पीस लिए हैं मैंने, थोड़ा सा अदरक और लहसुन और मिर्च धनिया, बस इतना ही पीस लेना है मसाला। फिर उसके बाद हमने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद हम कढ़ाई गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1-2 चम्मच ही होगा, और बारीक बारीक प्याज काट ली थी तो प्याज डाल दी कढ़ाई में। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है। फिर उसके बाद मसाला अब हमारा भून गया, प्याज भून गई है, और उसके बाद हमने जो पिसा हुआ मसाला था हमने पीसे थे वो डाल दिया है इसमें। इसको भी लगातार चलाते हुए हमको भूनना है अच्छी सी खुशबू आने तक, और जब तक इसमें जो पानी डला हुआ है ना, जब तक ये ना सारा सूख जाए तब तक हमें इस मसाले को भूनना है। फिर इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे अपनी रूटीन के, और तब तक हम मसाला भून रहा है मैं आलूओं को छील लेती हूँ। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, और मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया है काट कर बड़ा साइज का। और अब रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला था, और साथ के साथ नमक भी डाल दूंगी जिसमें टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए हमारे। और अब मैं इन्हें अच्छे तरह से चलाकर भून लूंगी, पका लूंगी फिर मसाले को अच्छे से। थोड़ा थोड़ा बीच में पानी, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनना है, क्योंकि हमने सारे सूखे मसाले डाले हुए थे तो चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर भून लेना है। देखिए कितना अच्छा मसाला भुन गया हमारा, अच्छे तरीके से भुन गया है। और अब मैं इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी, ये गवार फली और आलू। आलू तो छोटे छोटे थे तो बहुत उसी में मैस हो जाएंगे। अच्छे मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे आलू। एक बार आप बना कर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, जो नहीं खाता होगा ना वो भी खाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इस तरीके से बनाने में। और फिर कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में,